नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूँ मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं हमारा खास शो जेके मसाले प्रेजेंट्स दिवाली स्वाद वाली टेस्ट ऑफ राजस्थान। दोस्तों, त्योहार का मजा सबसे ज्यादा क्या होता है? हमारी यंग जनरेशन, युवा बच्चे हमारे साथ होते हैं तो वहीं बुजुर्गों का आशीर्वाद भी हमारे पास होता है और यही सब मिक्स मिलकर बनता है त्योहार का मजा। तो त्योहार का मजा तो आप ले ही रहे हैं लेकिन साथ ही साथ स्वाद भी ले रहे हैं, चटकारे भी ले रहे हैं, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अच्छा अच्छा खाना कुजींस आप बनाएं और अपने गेस्ट को, अपनी फैमिली को, रिश्तेदारों को खुश कर दें। और ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिव बिलास होटल के वाइस प्रेसिडेंट और मास्टर शेफ महेश जी। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मेघा जी। तो महेश जी, आज हम बात कर रहे हैं बुजुर्गों की भी और साथ में बच्चों की भी, क्योंकि त्यौहार आ चुके हैं और त्यौहार पर हम सब मिलकर कुछ नया खाना भी चाहते हैं, पकाना भी चाहते हैं। तो आप आज क्या लेके आए हैं? देखिए मेघा, मैं जब भी कोई शो करता हूँ और आपको पता है कि मेरी जो रेसिपीज होती हैं वो थोड़ी ट्विस्ट होती है। नॉर्मल खाना बनाना है तो गृहणियाँ वैसे ही बहुत अच्छा बनाती हैं और आज जो मैं रेसिपी लेके आया हूँ वो एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। और जैसे कि नॉर्मली हम लोग घर में गट्टा बनाते हैं तो गट्टे की सब्जी सब लोगों को बहुत पसंद आती है, लेकिन आज जो मैं रेसिपी लेके आया हूँ वो रेसिपी है गोविंदम गट्टा। गोविंदम गट्टे का मतलब है कि ये जोधपुर के अंदर इसको गोविंद गट्टा कहते हैं, लेकिन मैंने गोविंदम इसलिए किया है कि इसके अंदर जो मैंने स्टफिंग की है और इसकी जो शेप दी है उसकी वजह से इसको गोविंदम कहते हैं। और इसकी जो रिच ग्रेवी है वो थोड़ा स्पेशल तरीके से पकाई जाती है। तो मैं बताता हूँ इस रेसिपी को कैसे मैंने गोविंदम गट्टा महेश जी हमें बताने वाले हैं, क्योंकि गट्टे मुझे भी बहुत पसंद है। जब वो यम यम घर पर बनते हैं तो बड़े टेस्टी लगते हैं। आप गोविंदम गट्टे कैसे बनाएंगे ये भी मैं ट्राई करूँगी, आप भी ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले इंग्रीडियंट्स में हम लोग बेसन लेते हैं और बेसन जो है उसको हम लोग आटा गूंध लेते हैं। इस बेसन के अंदर हम लोग थोड़ा सा तेल डालते हैं और गर्म पानी में, हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा नमक, मसाले, लाल मिर्च और थोड़ा सा सौंफ, धनिया, साबुत धनिया और इस तरीके से इसका एक डो बना लिया जाता है। जैसे कि नॉर्मली हम लोग गट्टे का डो बनाते हैं उस तरीके से डो बना लिया। और इसके अलावा मैंने इसमें एक प्याज की ग्रेवी जो है वो लिए, इसमें प्याज को बहुत महीन काट के और उसको मैंने ऑयल के साथ में, थोड़े गरम मसालों के साथ में एक यमी ग्रेवी बनाई है जिसको हम थिक ग्रेवी बोलते हैं। इसके अलावा मैंने बटर यूज़ किया है, थोड़े से गरम मसाले हैं, थोड़ा सा ये धनिया पाउडर है, गार्लिक है और ये नमक है और थोड़ा सा हमारा ये सूखी लाल मिर्च है। बिल्कुल, जो राजस्थान में प्रॉपर मसाले यूज़ किए जाते हैं वो सारे यूज़, पूरे सारे यूज़ किए और इसकी मोर ऑर लेस इस तरीके से शेप हो जाती है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छा इस आटे को गूंद के रखना है या कोई इसको आप आटे को गूंद के रखिए और इसमें ये हम लोग, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि आटा गूंद के थोड़ा आधा एक घंटा रख देंगे और थोड़ा मोमन इसके अंदर डाला हुआ है तो ये ऐसा सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप डालते हैं तो उससे सॉफ्टनेस आ जाती है, सॉफ्टनेस आ जाती है। आटा गूंद के रखिए लेकिन मोइन साथ में डाल दीजिए। और कितनी मात्रा में मोइन डालना है हमें? वो एक चम्मच, यदि आप एक किलो आटा लेते हैं तो एक चम्मच बहुत है। अब इसको गोविंदम करने के लिए क्या है कि मैंने इसके अंदर ऐसा लोई बना के और इसके अंदर ये ऐसे मावा हम लोग डाल देंगे और जैसे कचौड़ी करते हैं इस तरीके से इसको हम लोग कचौड़ी का शेप दे देंगे। बिल्कुल मैंने गोविंदम करने के लिए इसको राउंड किया है। कुछ लोग इसको फ्लैट कर देते हैं, कुछ लोग इसको रोल बना के और उसके अंदर स्टफ करके कट करके देन फ्राई कर लेते हैं। तो बेसिकली मेरे को जो पसंद है वो मैंने इसको राउंड किया है, आप देख सकते हैं। जी हाँ, और ये जो है ऐसे राउंड करने के बाद इसे आप फ्राई कर लें और फ्राई करने के बाद आप इसे काट के भी देखेंगे तो ये आप देखिए स्टफ हुआ हुआ गट्टा जो है ये इस तरीके से दिखेगा आपको, देख रहे हैं? बिल्कुल, और इसमें आपने स्टफिंग मावे की हुई है तो हाँ, वो मावा हाँ, जो है वो भी एकदम जला नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर दिखाई दे रहा है। और हम लोग यदि हम इसको सर्व करेंगे तो हम लोग इसको 1:2 कर लेंगे। 1:2 इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि जो गेस्ट आपके आए हैं और वो अब इसको राउंड है, इसमें अंदर क्या है मालूम नहीं है तो इसके लिए मैंने इसे कट कर दिया है। बिल्कुल, अगर आप चाहें तो उसके अलावा इसे गोल, जो स्टफिंग के साथ में गोल किया है, गोल कर सकते हैं या कोई भी शेप आप देना चाहते हैं वो शेप दे सकते हैं।
इसके लिए थोड़ा सा पहले हम ऑयल लेंगे। अच्छा, आपने इसको कट किया बीच में से, अगर आप चाहते हैं तो इसे कट कीजिए और उसके बाद अब ऑयल थोड़ा सा लेकर, और थोड़ा ऑयल लिया और उसमें ये मैंने सौंफ, साबुत धनिया, काली मिर्च, थोड़े से मसाले डाले। अच्छा, नॉर्मली हम ये देखते हैं जीरा डालते हैं हम लोग, राई डालते हैं, ये मैंने एक इस तरीके से एक मसाला बना के रेडी किया हुआ है जिससे कि ये सारा मसाला जो है इसमें ऑलरेडी मिक्स किया हुआ है, जो गट्टे के जो मेन मसाले होते हैं मसाले वो मैंने किया है। और इसके साथ में हम लोग इसमें गार्लिक डालेंगे। बिल्कुल, और कहा भी जाता है सौंफ हो या फिर ये जो सभी मसाले मिक्स करके डालो, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, डाइजेस्ट बहुत अच्छा होता है। और अब मैं इसमें ये प्याज का जो मसाला है ये मैं डालूंगा। और प्याज का मसाला आपने 3 चम्मच यहाँ पर 3 चम्मच लिया है जी। थोड़ा चॉप अनियन लेना है, ऑयल लेना है, थोड़े से साबुत गरम मसाले, और उसके बाद में प्याज को अच्छा सा भून लेना है। और इस प्याज के मसाले को आप अपने घर में रख भी सकते हैं, यदि आपको वो ये ग्रेवी 2-3 दिन चलानी है तो प्याज, अच्छा भुना हुआ ब्राउन कलर का प्याज आप यदि रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होता है, और आप उस सेम प्याज के मसाले से और ग्रेवियाँ भी बना सकते हैं। तब मैंने इसको चलाते रहना है जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए, तो नहीं गोल्डन, ये ऑलरेडी गोल्डन किया हुआ है मैंने पहले से। अभी हमें ग्रेवी बनाने के लिए इसे ज़्यादा नहीं और पकाना है, हल्का सा बस आपने इसको गर्म किया है। और ये मैंने एक इसी की ग्रेवी जो है उसी के अंदर हम लोगों ने दही मिला करके, इस प्याज की ग्रेवी के अंदर हम थोड़ा सा दही, प्याज की ग्रेवी में आपने दही, ये कुछ दही, येलो ये जो है दही जो है इसके अंदर पकाया हुआ दही है, इसको अच्छा। बेसन के साथ में मैंने पकाया है, थोड़ा बेसन और दही को जैसे हम कढ़ी बनाते हैं उस तरीके से दोनों को मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा उसे पका लेते हैं और थोड़ा सा ऑयल डाल के, तो ये इस तरीके से ग्रेवी की शेप ले लेता है। लेकिन इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है, नहीं तो दही फट भी सकता है। तो ये अच्छा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, बेसन और दही लेकर उसको आपको जो ग्रेवी है उस ग्रेवी को प्याज की ग्रेवी में मिक्स करना है। और आपने ये ग्रेवी कितनी ली है दही ये, और आप ये देख लीजिए 3 चम्मच मैंने ये डाला है, 3 चम्मच ही मैंने प्याज का लिया, ग्रेवी डाली थी। अब हम इसमें क्वांटिटी बराबर, अब हम इसमें ये गट्टे जो हैं इसे डाल देंगे। ठीक है, धीरे धीरे वो भी पकती जा रही है। और दही का भी ध्यान रखना है क्योंकि दही और ग्रेवी जो है बेसन की, उसको चलाते रहिए धीरे धीरे, और वो इसलिए क्योंकि जिससे दही ना फटे, उसका ध्यान आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप भी शेफ हो गई हैं मेरे साथ। बिल्कुल महेश जी, आपके साथ रह के थोड़ा बहुत सीख लिया मैंने। और अब मैं थोड़ा सा हमारा होटल का जो ट्विस्ट होता है, थोड़ा सा क्रीम डालेंगे। देखिए, क्रीम इसलिए डालते हैं कि थोड़ा रिचनेस आ जाती है। नॉर्मल डेज में आदमी क्रीम बटर नहीं खाते हैं, लेकिन फेस्टिव सीजन है अभी, तो इसमें आपको थोड़ा सा देखिए अभी कलर भी आता है उसमें, और इट्स लुक सो ब्यूटीफुल, और कलर के साथ खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि ग्रेवी इतनी अच्छी है, प्याज की ग्रेवी है, अनियन ग्रेवी है, दही इसमें डला हुआ है, बेसन इसमें डला हुआ है, तो वो मिक्स होकर, और ये बहुत फटाफट बनती है। ओनली इसमें जो टाइम लगता है वो डो बना के रखने में और उसको स्टफ करके फ्राई करने में। ग्रेवी आप बहुत जल्दी बना सकते हैं, और ये मेरी और लोगों के हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 2-4 लोग हैं तो कम ग्रेवी यूज़ कीजिए, अगर बहुत ज़्यादा बन भी गई है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि प्याज की जो ग्रेवी है, अनियन ग्रेवी, उसको आप बिल्कुल, फ्रिज बिल्कुल, में रख सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब इसे हम सर्व कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि मैंने इसको ज़्यादा इसको हिलाया नहीं है, क्योंकि यदि हम इसको ज़्यादा हिलाएंगे तो इसकी स्टफिंग जो है वो बाहर निकल जाएगी। तो आपने देखा है कि उसे हमें खाली गर्म करना है, और इसकी जो स्टफिंग है वो उसी में है। और इसे हम नान के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ, पूरी के साथ, जिस भी चीज़ के साथ आप खाना चाहें आप खा सकते हैं इसको। जैसे आप अपने गेस्ट को, मेहमानों को खुश करना चाहें वैसे मुझे जो है गट्टे, नॉर्मली जो हमारे घर में तिकोने पराठे बनते हैं, आप मुझे बिल्कुल मुझे बहुत पसंद है तिकोने पराठे। बचपन में तिकोने पराठे खाया जी, हाँ जी हाँ। और गोविंद गट्टा जो है तिकोने पराठे के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मैंने इस पे कर दिया है, और थोड़ा सा हम लोग इस पे 2-4 ड्रॉप क्रीम की डालेंगे, और ये आपके लिए। तो गार्निशिंग भी बहुत शानदार होगी।
और गोविंदम गट्टे एकदम रेडी हैं। तो ये रेडी है आपके लिए गोविंदम गट्टे, आप प्लीज टेस्ट करिए और बताइए दर्शकों को कैसा। राजस्थान की फेमस डिश है गट्टे, और गोविंदम गट्टे अब रेडी हैं, तो इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बने हुए हैं। गोविंदम गट्टे जो मैंने गट्टे खाए अभी तक महेश जी, उससे बहुत अलग है, बहुत यूनिक है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है। अगर कोई स्पाइसी नहीं खाना चाहता उसके लिए बहुत अच्छे हैं, और साथ ही मसालों का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप भी घर पर गोविंदम गट्टे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कैसे ट्राई करने हैं, क्या इन्ग्रीडियंट्स डालने हैं, उसके लिए आप देखिए ये रिकैप। गोविंदम गट्टे तो आप सभी ने सीख लिए हैं, लेकिन इसको बनाने के बाद अब हम कुछ और भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे, वो एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम जेके मसाले प्रेजेंट्स दिवाली स्वाद वाली टेस्ट ऑफ राजस्थान। तो टेस्ट ऑफ राजस्थान की बात हो रही है, और ब्रेक से पहले हमने आपको गोविंदम गट्टे बनाना सिखाए थे कि किस तरह से गट्टे बनाकर, सिंपल से गट्टे को बहुत यूनिक तरीके से बनाकर आप अपने गेस्ट को खिला सकते हैं। लेकिन महेश जी, गट्टों की बात हो चुकी है, गट्टे बन चुके हैं, अब हम क्या बनाने वाले हैं? अब हम जैसे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम ऐसी चीज़ें, कुछ ना कुछ ऐसी ट्रेडिशनल चीज़ें बनाएं जिससे लोगों को पता हो कि हाँ ये चीज़ तो बननी ही है और ये तो त्यौहार में होनी ही है। जैसे होली है, दिवाली है, स्पेशली दिवाली में और होली में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपने कभी मतलब अभी घर में कभी आपने कोशिश की हो तो मदर के टाइम पे या नानी के टाइम या दादी के टाइम जो गुजिया है, वो गुजिया का अपना एक महत्व है हर फेस्टिवल में। और आजकल तो लोग क्या करते हैं, बाज़ार से रेडीमेड गुजिया ले आते हैं, अब लोगों के पास टाइम नहीं है कि उसे कौन बनाए। लेकिन आज मैं आपको एक दूसरे टाइप की गुजिया बनाऊंगा, बनाना सिखाऊंगा। बिल्कुल महेश जी, और एक टाइम हुआ करता था, बड़ा क्रेज हुआ करता था कि गुजिया बनानी है, उसके लिए बहुत सारी तैयारी भी करनी पड़ती थी। और हाँ, तैयारी करनी पड़ती थी, और नॉर्मली ये होता था कि उसके अंदर वेट नहीं होता था, है ना, और उसके अंदर जो मसाला अंदर जो मावे का डालते थे बहुत बारीक और हल्का सा होता था। तो उसी तरीके से मैंने जो आज ट्राई किया है वो बचपन की यादें जो हैं आपने ताज़ा कर दी हैं अब। बिल्कुल, तो हमने जो आज ट्राई कर रहे हैं हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट करके, तो हम लोग फ्रूट गुजिया बना रहे हैं जिसके अंदर थोड़ा सौंफ का फ्लेवर करके फ्रूट के साथ में गुजिया बनाएंगे। और उसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो हमने मैदा ली है, और मैदा जैसे कि हम लोग गुजिया के लिए मैदा का डो लगाते हैं, और बहुत सिंपल मैदा का डो लगाते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा पानी डाल के, और ये मैदा का एक डो हम लोगों ने बनाया है। और जिस तरीके से मैंने फ्रूट्स काटे हैं, आप देखें कि चॉप एप्पल लिया है मैंने, और केवल एप्पल ही क्यों लिया है, क्योंकि मेरा पसंदीदा फ्रूट है एप्पल, और यानी हम और फ्रूट्स भी, हाँ आप आपकी मर्जी, आप और दूसरे फ्रूट्स भी ले सकते हैं। साथ में मैंने ये मावा लिया है, और मावे के साथ में इसमें थोड़ा मैंने सौंफ मिलाया है और थोड़ा सा पिस्ता मिलाया है। और ये जो इसकी स्टफिंग है, ये स्टफिंग हम लोग एप्पल और सौंफ का ये जो मावा है इसको हम लोग स्टफ़ कर लेते हैं। और सेम जैसे गृहणियाँ
जिस तरीके से इसको रोल करती हैं, छोटी छोटी लोई बना के, और फिर इसको अपने पास में मोल्ड्स होते हैं, उस मोल्ड्स के अंदर इसको इस तरीके से शेप दे दी जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसे पूड़ी की तरह गोल करके आपको मोल्ड में रखना है, और मोल्ड में रखने के बाद आप इसमें ये स्टफिंग मिलाएं। स्टफिंग मिला के बाद में इसको आप फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद नॉर्मली इसमें बहुत मीठा कम है, तो आप इसमें चाशनी ऊपर से डाल सकते हैं, और यदि चाहिए तो आप इस स्टफिंग के अंदर थोड़ी सी चीनी और मिला लीजिए, लेकिन ज़्यादा चीनी नहीं। बता आपने मावा यूज़ किया है? हाँ, उस मावे में। लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा मावे में और चीनी मिलाने से मेल्ट हो जाता है जो मावा है। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक चीनी की चाशनी बना लें, और फिर आप उस पर गुजिया के ऊपर उसे थोड़ा डालें, जैसे कि मैंने देखिए ये तैयार किया हुआ है ये, और इसके ऊपर आपने चाशनी भी डाली। हाँ, चाशनी। लेकिन महेश जी, एक जो सवाल है और एक बहुत बड़ी परेशानी जो जब हम गुजिया बनाते हैं वो ये आती है कि गुजिया जब हम फ्राई करते हैं तो वो फूट जाती है। उसका रीज़न ये है कि जो आप आटा लगाते हैं, उस आटे के अंदर यदि आपने टेम्परेचर ठीक नहीं रखा है जब फ्राई कर रहे हैं, तो एक फूटने का चांसेस रहते हैं। दूसरा, यदि मावा बहुत जल्दी मेल्ट हो गया है और चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, तो मेल्ट होने की वजह से वो फूट जाता है। सो इसमें टेम्परेचर का बड़ा ध्यान, टेम्परेचर का आपको ध्यान रखना है जब आप फ्राई कर रहे हैं, तो वो टेम्परेचर ध्यान रखना है। और साथ ही एक और चीज़ ये कि जब आप मावा डाल रहे हैं, उसमें शुगर डाल रहे हैं, तो वो एक क्वांटिटी लिमिटेड होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होती है तो वो मावा मेल्ट होगा, और मेल्ट होगा तो फूटेगी ही फूटेगी। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि किस तरह से आपको गुजिया फूटने से बचानी है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपके हाथ में कुछ और भी देखी हुई, ये क्या है? ये मैंने एक स्पेशल खीर बनाई है, केसरिया खीर है, लेकिन इसमें दिवाली शरबत। अब आप इसमें हमारे एक होटल में हम लोग बहुत स्पेशल चंदन का एक शरबत यूज़ करते हैं, तो खीर के साथ में थोड़ा शरबत जो है उसके नीचे है, और ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, बिल्कुल शरबत जैसी फॉर्म में होता है, उसी तरीके से है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि जो शरबत है उसका कलर ही अलग से नजर आ रहा है? नहीं, वो इसलिए है कि पहले मैंने शरबत डाला है, फिर हमने केसर की खीर, जैसे घर में हम लोग खीर बनाते हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ में, केसर की खीर बनाई है, और मैंने शरबत नीचे डाला है लिक्विड फॉर्म में, और ऊपर से ये डाला है। तो ये कंप्लीट स्वीट डिश है जो आप गुजिया के साथ में कोई गेस्ट आते हैं। ये खीर जो आपने बनाई महेश जी, इसका नाम क्या है जरा, क्योंकि ये शरबत के साथ मिक्स, इसको दिवाली स्पेशल शरबते खीर कह सकते हैं। शरबते खीर, बड़ा कुछ नया नाम सामने आया है, दिवाली स्पेशल है, तो शरबत खीर भी आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि खीर जो आप नॉर्मली बनाते हैं घर में वो खीर बनानी है। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल है कि जब हम खीर बना रहे हैं, हमने खीर बनाई शरबत के साथ मिक्स की, ये खीर बिल्कुल ठंडी ही सर्व करें इसको, बिल्कुल शरबत के साथ में, शरबत मीन्स ठंडा, और अभी दिवाली पे इतनी ठंड पड़ी नहीं है कि हम नहीं खा सकते, सुकून दिला सकते हैं अपने आए। और ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें पीना और खाना दोनों एक साथ है। बिल्कुल, और ये मेरी गुजिया तैयार है, और गुजिया के साथ शरबत भी तैयार है, और गुजिया भी बिल्कुल, देखिए मैंने स्टफिंग है, आप बिल्कुल नहीं टूटी है, और इसमें आप देख सकते हैं फ्रूट्स और जितने भी सौंफ और ये सब चीज़ें इसमें साफ नज़र आ रही है, और खीर और ये सौंफ आपके लिए, क्योंकि आपने ये फ्रूट के साथ महेश जी बनाई है। तो एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि फ्रूट हमारे बहुत ज़्यादा चलते नहीं हैं, तो क्या आगे गुजिया में जो फ्रूट आपने डाले हैं, अगर आपने एप्पल डाला है, हम कोई और फ्रूट भी डालते हैं, आप तो और फ्रूट भी डालें, लेकिन ये ज़्यादा इसकी जो लाइफ है वो एक दिन या दो दिन से ज़्यादा नहीं होती है, सो डोंट ट्राई फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अच्छा, यानी कि आप बना सकते हैं और एक दो दिन इसको चला सकते हैं। ये लीजिए, आपके लिए मेरी गुजिया और शरबते खीर तैयार है। शरबते खीर दिवाली स्पेशल आ चुकी है, और साथ ही साथ है गुंजिया। गुंजिया की खुशबू जो बचपन की याद दिला दे, और खीर का टेस्ट तो हमेशा से ही है, एवरग्रीन कह सकते हैं इसको। अब इसको टेस्ट करके देख लेती हूँ मैं। शरबत का टेस्ट है और साथ में खीर तो है ही, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, और बेहद जो टेस्टी खीर ये दिखाई दे रही है, और टेस्ट करने में भी बहुत अच्छी है, ना मीठा ज़्यादा, ना चाशनी ज़्यादा, ना ही जो फूड डाले हैं उसकी क्वांटिटी ज़्यादा, मतलब परफेक्ट जो कह सकते हैं गुंजिया आपने बनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ आपका, इतनी टेस्टी डिश सभी को सिखाने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि दोनों डिशेज़ यानी गोविंदम गट्टे और गुंजिया
फ्रूट वाली आपने सीख ली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ आज की ये दोनों डिशेस हमें सिखाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो इस दीपावली पर आप भी बनाइए गोविंदम गट्टे और गुंजिया, लेकिन कुछ खास तरीके से। अभी के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।